हम सारी स्कूल चिल्ड्रन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ओन मे 2.11 लाख पीपल कश्मीर वैली मे ड्रग एडिक्शन आज मुलाकात गुमत कार स्कूल मे ड्रग एडिक्शन खिलाफ जानस मौसू बन आम तमाम हाई स्कूल मिडल स्कूल प्राउड यूनिवर्सिटी बच्चन डेवलपमेंट फोन तमाम मुबारकबाद अपने मन में डूब कर बाजा सुराग जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना को बन वपर छुड़िए कहा है ये कह मजहब सालुक थ यह सोरी दुनिया मे अल्लाह तला तकलीफ यह चाहे मुस्लिम कम्यूनिटी चाहे सिख कम्यूनिटी चाहे पंडित कम्यूनिटी चाहे क्रिश्चन चाहे यूनि तबक प्रह अल्लाह तबारक ताला अजीम तकलीफ या ये दोबारा इसने ये काम करना शुरू किया है। आज तक किसी भी आदमी ने हज के बारे में हमारे साथ इस मसले में कोई भी बात शेयर नहीं हज में कोई मंदाबंद होगा सियासी तौर पे समाजी तौर पे वो खून करते हैं कस्बा करते हैं कि किस पता करते हैं लेकिन ड्रग्स की रोकथाम के लिए सिविल सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी समझिए ये बहुत पीछे है वो ये कहते हैं चलो ये मेरा इश्तेहार नहीं है तो मेरा क्या लेकिन मैं एक चीज आपको याद कराऊं अगर हमारा हमसाया सांप पाल रहा है तो आप ये कैसे यकीन कर सकते हो कि ये सांप उसी को काटेगा अगर वो काट रहा है तो कल पाल रहा है तो कल हमें भी काट सकता है। तकरीबन इस वक्त एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर में 6 लाख यूथ है जो इसके मीडिया नफर डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब तनवीर साहब बैंक कह तिंद शुक्रिया अदा कर बल्कि उम्मीद थान ये कि तेल मीडिया वसा तक वाद यह सोन प्रोग्राम न सिर्फ आबाद किस आवामस तान बल्कि गोस वाचिर हंदिस कूनस कूनस तान इन्होंने यहां पे ड्रग एडिक्शन डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम यहां पे मुनक्किद किया और चूंकि इस वक्त ऐसे प्रोग्राम की दिस इज नहीं डॉक्टर क्योंकि अगर हम इस वक्त देखेंगे ड्रग एडिक्शन को लेकर इस वक्त हमारी वैली में या जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अगर बात करेंगे तो अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त जैसा यहां पे अभी हमने कहा कि तकरीबन प्रेजेंटली 6 लाख यूथ इसमें इन्वॉल्व है तो ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद करने की जरूरत है ताकि जो हमारे यूथ हैं वो इससे बच जाए। देखिए इसके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता तो वही ज्यादा बेटर बता सकते हैं अलबत्ता यहाँ पे इस पे कार्रवाई अच्छी तरह से होती है पुलिस करती है हमारी नॉलेज में भी ये रहता है जब जब वो इसमें कोई कार्रवाई होती है कोई कंसाइनमेंट रिकवर होता है तो बाकी इसमें एसओजी साहब खुद बता सकते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स जो हैं शायद अपने जो उनकी चिल्ड्रन है उनकी तरफ वो केयर नहीं है जो होना चाहिए अपने शायद कुछ अपने कॉन्स्टेंट उनकी होंगी लेकिन वो पेरेंटिंग नहीं होगी और इसमें सोशल मीडिया जो है जो ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका भी बड़ा रोल है सुबह फेसबुक यूज करते हैं मोबाइल फोन्स यूज करते हैं तो अब खाली ये एडिक्शन ही है ड्रग एडिक्शन इससे भी खतरनाक अगर एडिक्शन देखेंगे तो वह है मोबाइल फोन तो उसमें केयर करने की जरूरत है और उसातिज़ा की तो जिम्मेदारी है ही
कि वो पढ़ाने के साथ साथ करेक्टर बिल्डिंग करें, बच्चों की किरदार साजी करें। मैं इतना कहूंगा कि मैंने सिर्फ इब्तिदा की इस गर्ज से कि आज से प्रोग्राम हमारी तमाम सोसाइटी में होनी चाहिए ताकि आवाम बाखबर हो कि हमारे जवानों का क्या हाल हो रहा है, हमारे कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा। अलबत्ता एक बात मैं ये कहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मैं भी मानता हूं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन देखना यह है कि ये चीज आती कहां से। ये ब्राउन शुगर वगैरह कश्मीर में उगता तो नहीं है ना, ये कहीं से आता है। क्या हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए कुछ करती है क्या? अगर हुकूमत भी हमें कहती है कि ये काम है पेरेंट्स का, लेकिन ये देखना है।